अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम ओके अच्छा, ये तकरीबन अभी 13 स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास। स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। ओके सो दिस इज बेसिकली योर गूगल क्लासरूम। इफ यू गो हियर सो दिस इज योर क्लास नंबर 7। ठीक है, सो वी विल फॉलो दिस क्लास। If you will use exactly this material or this data or these slides for our today's class. एक्सक्यूज मी सर, So you can, yes, जी। वो पिछले लेक्चर की रिकॉर्डिंग सर आपने अपलोड नहीं की। अच्छा, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। ठीक है, सो आप बता दो, थोड़ा सब्र करें। ठीक है, सो आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यू ऑलरेडी नो कैसे करें। यहाँ से ओपन इन न्यू विंडो करके यहाँ पे आपके पास डाउनलोड का बस ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके अभी भी वही फाइल मैंने ओपन की हुई है यहाँ पे। इफ यू लुक हियर सो वो जितनी भी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी वो पिछले क्लास की, ठीक है, वो इस फॉर्म में है। तो उसमें सिर्फ साउंड आपको आ रहा होगा, सामने स्क्रीन पे आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि मीन्स बैकग्राउंड में अगर आप ये साउंड चला दें और जो लेक्चर है पिछला वाला वो अगर आप ओपन कर दें, तो इन दिस वे मीन्स आपको हेल्प हो सकती है। अदरवाइज क्योंकि आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो स्पीकर बोल रहा होता है, ठीक है, वो सामने स्क्रीन पे आ जाता है, और जो चीज़ सामने स्क्रीन पे आ जाती है तो गूगल मीट बेसिकली उसी की रिकॉर्डिंग करता है। तो अभी उस केस में क्या हुआ था, क्योंकि मैं दो आईडीज यूज़ कर रहा हूँ, एक अपने नाम से और एक सीएमएस की आईडी, क्योंकि फिर बाद में वो नॉइस का इशू आ जाता है। तो असल में आई थिंक हमने उसको पिन नहीं किया हुआ था जो मेरे नाम की आईडी थी। सो सीएमएस वाली आईडी सामने आएगी कि एन थ्रू और जितना भी है देख सकते हैं, वही सीएमएस की आईडी अभी उस पर चल रही है। ठीक है, तो साउंड है इसके बैकग्राउंड में। तो ये है, ये मैं सोचा था पहले आपसे पूछ लूं कि इसको शेयर कर दूं। स्टिल इफ यू वांट टू शेयर तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा। जी क्या करें, सर ये शेयर कर दें, हम साथ न्यू विंडो में लाइट लगा लेंगे और जिसको सुनना ठीक हुआ। है। हाँ, फिर आप ऐसा कर दें कि इसके बैकग्राउंड में ना बैकग्राउंड में यही साउंड चलने दें, और साथ में जो पीडीएफ फाइल मैंने आपको दी है उसको आप ओपन कर दें, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। रिमेनिंग वही क्लास है, लेकिन क्योंकि वो पीडीएफ जो हम चला रहे थे वो इसमें नहीं चल रही थी, तो ये थोड़ा सा इशू आ रहा था। ठीक है सर, थैंक यू।
आई होप आपको भी स्क्रीन नजर आ रही होगी सामने जो मैंने अभी शेयर की है। इट्स बेसिकली ए वैसे पीडीएफ फाइल। ओके सो मेरे ख्याल में क्लास को अभी 6-7 मिनट हो गए ज्वाइन किए हुए, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट भी अबाउट 30 का तकरीबन 30 के 30 स्टूडेंट्स एग्जैक्टली, ठीक है, और बाकी स्टूडेंट्स इन बिटवीन ज्वाइन कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं, पहले कोर्स को थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा। सो वी स्टार्टेड विद मैकेनिक्स, उसमें से स्टैटिक्स डायनामिक्स को हमने डिस्कस किया, एंड देन वी स्टार्टेड विद स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में फिर हमने फोर्सेस पढ़े, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। सो इफ यू आर हैविंग लाइक मोर फोर्स, मोर देन वन फोर्सेस, सो वॉट वी कैन डू इन दैट केस, वी कैन फाइंड आउट द नेट इफेक्ट थ्रू रिजल्टेंट, उसकी क्या मेथड्स हैं। फिर उसके बाद मोमेंट्स हमने पढ़े, मोमेंट्स से प्रॉब्लम वगैरह किए। उसके बाद हम आए कपल्स में, कपल्स हमने उसके जो रेलिवेंट प्रॉब्लम एग्जाम्पल्स वगैरह थे वो सॉल्व की, तो उसका हमें आइडिया हो गया कि कपल है क्या चीज़, कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उसको प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। आज की क्लास में जो है बेसिकली हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम इक्विवेलेंट सिस्टम या रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है, उस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी खास सेक्शन पे, तो उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा एक खास पॉइंट पे, वो फोर्स तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी वजह से मोमेंट भी आ सकता है अगर उस पॉइंट और फोर्स के दरमियान कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर हैविंग 5 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट नेट इफेक्ट ऑन अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, एक रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहते हैं, सिंपली हम फोर्सेस को कंबाइन कर लेंगे, एडअप कर लेंगे, उसका जो इफेक्ट होगा वो रिजल्टेंट हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये जाती है कि अगर ये फोर्सेस एक ही लाइन पर एक्ट नहीं कर, इनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक नहीं है, तो ये फोर्सेस डिफरेंट फोर्सेस मुख्तलिफ डायरेक्शन में मोमेंट भी प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो आप जब इन सबको कंबाइन करते हैं, इन तमाम फोर्सेस को, तो उसका जो नेट इफेक्ट होगा वो सेम नहीं होता जो कि फोर्सेस का अलग अलग होता है। सो हम क्या करते हैं, क्योंकि वो फोर्सेस तो कंबाइन हो जाती है लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है इन फॉर्म ऑफ मोमेंट वो कंबाइन नहीं होता। सो हम क्या करते हैं, हम जो जो मोमेंट जो फोर्स जो जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा होता है उस मोमेंट को भी कंबाइन करके रिजल्टेंट के फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो जो इक्विवेलेंट सिस्टम होता है उसमें क्या क्या मौजूद होता है, उसमें हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स होती है और एक हमारे पास रिजल्टेंट मोमेंट होती है। उन दोनों को कंबाइन करके हम एक और रिजल्टेंट निकाल लेते हैं जिसको हम बेसिकली रिजल्टेंट कहते हैं या फाइनल रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट सिस्टम उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप अभी डेफिनेशन को देख लें क्या लिखा हुआ है, द रिजल्टेंट ऑफ अ सिस्टम टू इट्स सिंपलेस्ट फोर्स कॉम्बिनेशन विच कैन रिप्लेस द ओरिजिनल फोर्सेस विदाउट अल्टरिंग द इफेक्ट ऑन द रिजिड बॉडी टू विच द फोर्सेस आर अप्लाइड, ठीक है। रिजल्टेंट बेसिकली क्या है, इट इज बेसिकली अ सिस्टम और इट इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ सिस्टम टू इट्स सिंपलेस्ट फोर्स कॉम्बिनेशन। हम क्या करते हैं, तमाम फोर्सेस को रिप्लेस करते हैं सिंपल फोर्स से, विच कैन रिप्लेस द ओरिजिनल फोर्सेस, ओरिजिनल फोर्सेस का जो भी इफेक्ट है ताकि उसको रिप्लेस कर सके विदाउट अल्टरिंग विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी विच द फोर्सेस आर अप्लाई, ठीक है। सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, यहाँ पे हमारे पास F1, F2, F3 ये फोर्सेस एक्ट कर रही है। नाउ इस फोर्स की वजह से फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट आप सेलेक्ट कर ले, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट, ठीक है। ये देखिए ये जो फोर्स है F1 ये इस लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहा है, ये जो फोर्स है ये इस लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहा है, और ये जो फोर्स है ये इस लाइन ऑफ एक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो चूंकि एक खास पॉइंट पे ये बीट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है मुख्तलिफ सेक्शन पे ये मुख्तलिफ मोमेंट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इन तमाम फोर्सेस को कंबाइन करके अगर आप किसी एक फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर दें या रिप्लेस कर दें, इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट सिस्टम कहेंगे। अब इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं आगे, ठीक है। सो द रिप्लेसमेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस बाय सिंपलेस्ट फोर्स सिस्टम, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको बेसिकली इक्विवेलेंट सिस्टम या रिजल्टेंट कहते हैं। पहले जो रिजल्टेंट हमने पढ़ा था वो बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस था होंगे, ठीक है। अच्छा फिर फोर्सेस में बेसिकली
ऑन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या लाइन ऑफ एप्लीकेशन या इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, दो तरह के फोर्सेज हमारे पास हो सकते हैं. वन इज कंकरेंट फोर्सेज, वन टाइप ऑफ फोर्सेज आर नोन एज कंकरेंट एंड अदर टाइप इज नोन एज नॉन कंकरेंट फोर्सेज. सो व्हेन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेज मीट एट अ कॉमन पॉइंट इन सच केस दीज फोर्सेज आर नोन एज कंकरेंट फोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे अगर देख लें, एक फोर्स यहाँ पे है, एक फोर्स यहाँ पे है एंड ये एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, लेकिन जो लाइन ऑफ एक्शन है एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. सो इनको हम कंकरेंट फोर्सेस कहते हैं. सो पहले क्लास के शुरू शुरू में हमने जो रिजल्ट निकाला था दैट वाज बेसिकली फॉर कंकरेंट फोर्सेस. थोड़ा सा वेट कर लें. आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मैंने माइक ऑफ कर दी, थोड़ा सा वेट कर लें. अच्छा तो दो तरह की फोर्स, अभी आवाज आ रही है? यस सर, हाँ ठीक है. अच्छा तो पहले जब हमने किया था पहली क्लासेस में रिजल्ट निकाला था दैट वाज बेसिकली फॉर कंकरेंट फोर्सेस. नाउ वी आल्सो हैव वन टाइप व्हिच इज नॉन कंकरेंट फोर्सेस. वो कब होती है? व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस डजंट मीट एट अ कॉमन पॉइंट. फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग दीस थ्री फोर्सेस F1, F2 एंड F3. आप इस पे एक्सटेंड कर दें, इस लाइन ऑफ एक्शन को भी एक्सटेंड कर दें और इसको भी एक्सटेंड कर दें. ठीक है. सो यू विल ऑब्जर्व दैट दीज थ्री फोर्सेस कैन नेवर बीट एट अ सिंगल पॉइंट. तो ये एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर सकती या मीट नहीं कर सकती. ठीक है. सो यहाँ पे लेट्स मूव फॉरवर्ड. हाउ हाउ वी कैन फाइंड आउट रिजल्टेंट या इक्विवेलेंट सिस्टम. फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग द सिस्टम. इस सिस्टम पे हमारे पास नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है, इन फोर्सेस की वजह से नंबर ऑफ मोमेंट्स है या सेपरेट मोमेंट्स उस पर एक्ट कर रही है. सो वी आर हैविंग सिस्टम ऑफ फोर्सेस, सिस्टम ऑफ मोमेंट्स एक्टिंग ऑन अ गिवन सिस्टम. व्हाट वी नीड टू डू, हम क्या करते हैं, क्या है रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए तरीका क्या यूज करते हैं? वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स. ठीक है. एंड वी ऑल्सो फाइंड आउट द रिजल्टेंट मोमेंट. तो इंस्टेड ऑफ फोर्स या इंस्टेड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट हम क्या करते हैं, इसको फोर्स सिस्टम से रिप्लेस कर लेते हैं. ठीक है. ये जो रिजल्टेंट फोर्स और मोमेंट है ये बेसिकली वो फोर्स का बल सिस्टम है. देन हम क्या करते हैं, इस रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मोमेंट को कंबाइन करके एक इक्वलेंट फोर्स निकाल लेते हैं जिसको हम रिजल्टेंट कहते हैं. ठीक है. सो इस इक्वलेंट फोर्स पे क्या होती है, बिल्कुल एक सिंपल सी फोर्स होती है आपके पास. अगर आप इस डायग्राम को देख लें तो ये तमाम फोर्सेस की बजाय हमने एक सिंपल सी फोर्स लगा दी. अभी इसमें मोमेंट का भी इफेक्ट है और इसमें फोर्सेस का भी इफेक्ट है. ये कैसे होगा इसको आगे देखते हैं. ओके सो दिस इज लाइक द फ्लो विच इज शोविंग एवरीथिंग. सो फ्लो डायग्राम विच इज शोविंग हाउ टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फोर्स आर द नेट रिजल्टेंट फोर्स. ओके सो इफ यू आर हैविंग कंकरेंट फोर्सेस, सो इन केस ऑफ कंकरेंट फोर्सेस ये तीन फोर्सेस हमारे पास. सो इनको ऐड करने का तरीका क्या, इनका रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या है? सिंपली फाइंड आउट कंपोनेंट्स ऑफ दीज फोर्सेज. फॉर एग्जाम्पल इसका कंपोनेंट क्या होगा, F1x, F1y, F2x, F2y, F3x एंड F3y. एंड वी ऑलरेडी नो कि रिजल्टेंट क्या होता है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है. सो दिस यू कैन सी इट हियर, आर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3. इफ यू आर हैविंग फाइव फोर्सेज प्लस F4 प्लस F5 हो जाएगी. सिंस यू आर हैविंग थ्री फोर्सेज सो यू विल राइट जस्ट दिस थ्री. इज इट क्लियर? सो रिजल्टेंट इज द समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेस. नाउ ये जो रिजल्टेंट होगा इसके एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा. सो एक्स कंपोनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेज है उनकी एक्स कंपोनेंट को ऐड करेंगे. सो द एक्स कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट विल बी आर एक्स एंड विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ F1x प्लस F2x प्लस F3x. एंड द वाई कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट विल बी आर वाई विच इज बेसिकली समेशन ऑफ F1y, F2y एंड F3y. ओके सो व्हेन यू गेट Rx एंड Ry, सो रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, R विल बी इक्वल टू Rx स्क्वायर प्लस Ry स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. सो फ्रॉम हियर वी विल यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट. एंड
In order to find out what should be the direction of that resultant, so we find out the angle which the resultant will make with positive x-axis. So from here we can find out tangent theta is equal to r y by r x. Theta को एक साइड पे कर लें, so tangent inverse r y by r x will give us the given angle. So this is basically the method that we used in our initial classes to find out the resultant of concurrent forces. Hopefully यहाँ तक क्लियर होगा सब. यस सर। Okay, now let's come towards resultant of non-concurrent forces. So over here in this slide I have explained. So you can read this one and but let me explain it with the help of diagram. So this is just for you people if you want to read, in case if you forgot my explanation. Okay, so now you look at this figure. इस फिगर में क्या हमारे पास, वी आर हैविंग दिस थ्री फोर्सेस एंड यू कैन सी इफ आई एक्सटेंड दिस वन, इफ आई एक्सटेंड दिस वन, इफ आई एक्सटेंड दिस वन, दिस थ्री फोर्सेस आर नॉट मीटिंग एट अ कॉमन पॉइंट. ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है जिसपे तीनों की तीनों फोर्सेस मीट कर जाए. हमारा मकसद क्या है, वी नीड टू फाइंड आउट रिजल्टेंट फोर्स. तो द फर्स्ट स्टेप विल बी टू फाइंड आउट द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस फोर्सेस इन फॉर्म ऑफ रिजल्टेंट फोर्स. इसकी वजह से जो जो मोमेंट आ रहा है वो रिजल्टेंट मोमेंट भी निकाले. अच्छा, इमेजिन करें इसको हम पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई या पॉइंट ओ, किसी भी पॉइंट पे मूव करना चाहते हैं. ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट तो उसको एक पॉइंट पे तो आपके पास नेट इफेक्ट होगा ना, वो पॉइंट कोई भी हो सकता है. हमने रैंडमली एक पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, पॉइंट ओ. ओके, सो इफ आई वॉन्ट टू मूव दिस फोर्स एट दिस पॉइंट, सो हाउ कैन आई डू इट? Just simply take this force and apply it here. Now to cancel down its effect, what we will do? We will apply an opposite force here. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? इस फोर्स को बस यहाँ पे शिफ्ट कर दें और इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर दें. नाउ व्हाट वी वांट, यहाँ पे जो फोर्स हमारे पास आ गई है इसको हम यहीं पे रखना चाहते हैं, लेकिन ये फोर्स और ये फोर्स हमें नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा है. ठीक है, क्योंकि ये फोर्स यहाँ पे शिफ्ट हो गई है तो बस रिमूव होनी जानी चाहिए. सो यू सी दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, दीज टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड हैविंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, सो इससे क्या बनेगा हमारे पास, कंडीशन किस चीज की सेटिस्फाई हो रही है? दिस इज कंडीशन फॉर कपल. सो ये दो फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन है. ठीक है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, कपल निकालेंगे. कैसे? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, एफ वन इंटू डी. और मोमेंट कैसे होगा? क्लॉक वाइज में. तो फोर्स को हमने सिंपली एफ वन को उठा के यहाँ पे कर दिए और इसकी वजह से जो मोमेंट आ रहा था एफ वन इंटू डी वन, वो हमने यहाँ पे लिख दिया. यहाँ तक क्लियर है सबको? सर वो ऑपोजिट फोर्स पर थोड़ा बताएं, जो हमने ऑपोजिट फोर्स एज्यूम किया। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आपको अभी? यस सर, यस सर। ठीक है. ओके, सो
ओके थोड़ा सा वेट करने आपको मैं क्लियर कर दूँ ना। यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो फोर्स है यहाँ पे, ये जो फोर्स यहाँ पे लग रही है, इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट करना है। कैसे शिफ्ट करूंगा इसको? सिंपली यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूंगा, ये फोर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। इसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल अप्लाई अनदर फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके ये फोर्स तो मैं यहीं पे चाहता हूँ कि यहीं पर रह जाए, लेकिन इन दो फोर्सेस को मैंने रिमूव करना। तो इन दो फोर्सेस को रिमूव करने के लिए क्या करूंगा? इफ यू लुक एट दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, दीज टू फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड हैविंग सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसकी वजह से यस क्या हो रहा है, सर, बेसिकली मोमेंट या कपल प्रोड्यूस हो रहा है। वो कपल किस चीज के बराबर है? दिस फोर्स और दिस फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F1 इंटू डी, ये वो कपल हो जाएगा। इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन इसके आपके पास क्लॉक वाइज है, तो वो मैंने यहाँ पे शो कर दी। ठीक है, अंडरस्टैंड, यस एंड सर। एंड ये देख लें फोर्स वही पे आपका। अच्छा, सिमिलरली इफ यू लुक फॉर F2, F2 को भी यहीं पे मूव कर देंगे। ठीक है, और इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा, ठीक है, वो मोमेंट हम यहाँ पे लिख देंगे। सिमिलरली F3 को भी हम यहाँ पे पॉइंट O पे मूव कर देंगे, और इसकी वजह से जो मोमेंट आएगा वो मोमेंट भी साथ में मेंशन कर देंगे। सो दिस वाज मोमेंट ड्यू टू F2, दिस वाज मोमेंट ड्यू टू F3, हमने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो साथ में वो मोमेंट्स भी हमने यहाँ पे लिख दिए। नाउ वी आर हैविंग थ्री फोर्सेस F1, F2 एंड F3, इन सबको ऐड कर दें, सो वी गेट दिस रिजल्टेंट फोर्स। एंड सम इन मोमेंट्स को ऐड कर दें, तो ये क्लॉक वाइज है, दिस इज एंटी क्लॉक वाइज, दिस इज क्लॉक वाइज। सो यूजली होगा ये कि दो क्लॉक वाइज है, तो नेट रिजल्टेंट भी क्लॉक वाइज आएगा। अगर ये हो कि दो जो क्लॉक वाइज उनका मैग्नीट्यूड कम हो, एक एंटी क्लॉक वाइज का मैग्नीट्यूड इन दोनों से ज्यादा हो, तो रिजल्टेंट फिर आपके पास एंटी क्लॉक वाइज ही आएगा। इमेजिन करें कि हमारे पास जो नेट रिजल्टेंट मोमेंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, वो क्या है? वो क्लॉक वाइज है। तो देखिए, इस पूरे सिस्टम को पहले हमने क्या किया, हमने रिजल्टेंट फोर्सेस निकाली, फिर हमने रिजल्टेंट मोमेंट्स निकाले, अभी हमने वो रिजल्टेंट फोर्स कपल सिस्टम या रिजल्टेंट फोर्स और रिजल्टेंट मोमेंट यहाँ पे लिख दी। ठीक है, नाउ क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, और इसकी वजह से जो एक सिंपल रिजल्टेंट फोर्स आएगा, एक सिंगल रिजल्टेंट फोर्स, उसको हम लिख देंगे। कैसे? हमारे पास मोमेंट का फॉर्मूला है, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, कि अगर आप फोर्स को एक खास परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अप्लाई करें, मीन्स एट अ सर्टेन पॉइंट आपके पास फोर्स लग रही है, अगर आप उस पॉइंट से फोर्स को एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मूव करें, तो उस फोर्स की वजह से उस पॉइंट पे कोई मोमेंट आएगा। उस मोमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डी। तो यहाँ पे ये देखिए, ये फोर्स जो है अभी यहाँ पे पॉइंट ओ पे एक्ट कर रहा है, और पॉइंट ओ पे ये कोई मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, क्योंकि ये उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। लेकिन साथ में हमने यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉइंट ओ पे या इस पूरे सिस्टम में हमारे पास जो मोमेंट है वो इतना मोमेंट है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसी फोर्स में इस मोमेंट का इफेक्ट भी आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मूव करेंगे, किसी ऐसे पॉइंट पे अप्लाई करेंगे कि फोर्स और इस पॉइंट ओ के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो। कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, वो इस फॉर्मूले से हमारे पास आएगा, एम इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, एफ हमारे पास है, मोमेंट भी है, डी हमारे पास आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डी हमारे पास आ जाता है 2, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो इस डायरेक्शन में भी हो सकती है और इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। आपने कहाँ पे अप्लाई करना है? आप अगर ऊपर अप्लाई करते हैं तो भी सही है, अगर नीचे अप्लाई करते हैं तो भी सही है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है। तो अगर नीचे आप अप्लाई करते हैं, वो जो मोमेंट का इफेक्ट होगा वो काउंटर क्लॉक वाइज होगा, अगर ऊपर अप्लाई करते हैं तो मोमेंट का जो इफेक्ट होगा वो क्लॉक वाइज होगा। तो यहाँ पे ये मोमेंट का इफेक्ट क्या था? क्लॉक वाइज था, तो हमने इसी वजह से इसको ऊपर अप्लाई किया। तो यहाँ पे देख लें, नाउ दिस सिंगल फोर्स इट इज हैविंग सेम इफेक्ट एज दिस थ्री फोर्सेज आर हैविंग। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। सो व्हाट वी डिड, वी बेसिकली रिप्लेस ऑल दिस फोर्सेस विद दिस नेट फोर्स, ठीक है, या विद दिस रिजल्टेंट। तो इस सर, ये रिजल्टेंट लास्ट में में हमने डी, इन द लास्ट हाउ डिड वी फाइंड डी एम इज इन इक्वल टू एफ लास्ट? इंटू डी, एम इज इक्वल टू एफ इंटू डी,
एमबीए है, एफपी हेड निकाल ले वहां से। ठीक ओके है सर, जी। सर इन फोर्सेस को हमने ग्राफिकली तो ऐड नहीं करना ना, लाइक फॉर्मूला से ही करना है, F1 + F2 + F3। जिस तरीके से आपके लिए आसान हो आपने उस तरीके से करना है, बट लाइक दिस इज द जनरल प्रोसीजर, वो फिर आपने खुद डिसाइड करना है विच मेथड यू वांट टू यूज। इफ यू आर हैविंग अनदर इजी मेथड, लाइक इफ यू यू फील ग्राफिकल मेथड इज इजी, गो फॉर इट। इफ यू वांट टू डू सम अल्जेब्रिक मेथड थ्रू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, सो जो मेथड आपके लिए आसान हो आपने वही मेथड यूज करना है, बट दिस इज द जनरल प्रोसीजर। शुड वी मूव अहेड? ओके okay. सो दिस इज द सैम्पल प्रॉब्लम इन योर बुक। ओके मोज, अगर मुझे रिप्लाई नहीं मिलता सो आई विल एज्यूम कि आपको समझ आ रही है, आप सबको समझ आ रही ओके सर, है। ओके सो सैम्पल प्रॉब्लम, नाउ इन सैम्पल प्रॉब्लम what we need to do, if you look at this plate, how many forces are acting here? One force, two force, three forces, and four forces. And you, if you look at this one, this is something weird. Like it is acting in this direction, this one is acting in this direction. So this means this is not a force, but it is representing a couple. Is that clear? What does it represent? Basically represent अ कपल। क्यों, कैसे पता लगा? एक तो इसके ये सिंबल से हमें अंदाजा हुआ, एंड दूसरा इफ यू लुक एट हियर, सो द यूनिट इज 140 न्यूटन मीटर, एंड इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, डिटरमिन द रिजल्टेंट ऑफ फोर फोर्सेस, 1, 2, 3, 4 फोर्सेस एंड अ कपल विच एक्ट ऑन द प्लेटफॉर्म, सो वी नीड टू फाइंड आउट इट्स रिजल्टेंट। ओके सो फॉर रिजल्टेंट फर्स्ट फर्स्ट वी नीड टू select some point. For example, we want to find out all these forces. We want to shift all these forces at this point or this point or this point or this point. It's up to you people. Okay? So let's say if I select this point, point O, and I want to find out the resultant of all these forces at point O. So what I will do? The simple method is to find out the components, Fx, Fy of each force. So this force will be having only Fx, no Fy. This will be having Fx, Fy. This will be having only Fy, no Fx. And this will be having both Fx and Fy. ठीक है? So summation of forces in x direction will be equal to Rx. It will be equal to 40. And minus 60 cos of 45. This will be having no component. And this will be 80 cos of 30. So you can see. This is Rx. Similarly, Y. This component has no y component, this is having y component, this is y component, and this one is having y component. You will find out ry. Okay. Once you do this thing, so we will get this answer. Means you will get this rx, r and ry. With the help of rx and ry, we will find out the magnitude. Okay. We will find out the magnitude. So now we are having x component, we are having y component, and we are having magnitude of resultant vector. To find out its direction, what we will do, we will use tangent theta formula. Tangent theta is equal to ry by rx. From here, we will find out this theta. So theta is 63.2. This means the resultant force is inclined at 63.2 degree, and it is having an angle of 63.2 degree with the positive x-axis. This is positive x-axis. Okay. So the angle is less than 90, this means it will be in first quadrant. So you can see this is the resultant. It is making an angle of 63.2 degree with positive x-axis. Okay. Now what we need to do, we have shifted the force at point O, but by shifting the force at point O, now it's not having the same effect as all these forces were having. Means in tamam forces ka पॉइंट ओ पे कोई मोमेंट भी एक्ट कर रहा था, इसकी वजह से, इस फोर्स की वजह से भी पॉइंट ओ पे कोई मोमेंट होगा, इसकी वजह से भी, वो फिलर फॉर टाइमिंग हमने यहाँ पे शो नहीं किया। ठीक है, सो प्रॉपर कैलकुलेशन के लिए व्हाट यू नीड टू डू टू इनकॉर्पोरेट द इफेक्ट ऑफ ऑल दीज फोर्सेज इन टर्म्स ऑफ मोमेंट, आप क्या करें, इन तमाम फोर्सेज का मोमेंट भी निकालें। ओके सो इस फोर्स की वजह से, 40 न्यूटन फोर्स की वजह से
अबाउट पॉइंट वो कितना मोमेंट आएगा, व्हाट यू थिंक जी? कोई मोमेंट आएगा? 14, जीरो जीरो। जीरो व्हाट अबाउट दिस 18 न्यूटन फोर्स? 18 न्यूटन फोर्स की वजह से पॉइंट ओ पे कोई मोमेंट आएगा? जीरो नहीं आएगा नहीं आएगा। ओके, सो एक्स कंपोनेंट अगर हम निकाले वो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अगर वाई कंपोनेंट निकाले, वाई कंपोनेंट की वजह से मोमेंट आएगा अबाउट पॉइंट ओ? जी एनीवन, सर। यस सर, क्या कितना होगा? 140। जी नहीं, इस फोर्स का वाई कंपोनेंट आप निकालें और उसकी वजह से अबाउट पॉइंट ओ नहीं मोमेंट आएगा है, सर। नहीं आएगा। ठीक है, तो 80 न्यूटन फोर्स की वजह से कोई भी मूवमेंट नहीं होगा क्योंकि वो उसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। ओके अच्छा, ये क्या है? ये तो डायरेक्ट मूवमेंट गिवन है, इसको एज इट इज लिख देंगे। काउंटर क्लॉकवाइज है तो इसको पॉजिटिव लिखेंगे। 140 न्यूटन मीटर डायरेक्ट। जी ये जूम कर रहे जी सर, नजर नहीं आ रहा सर। मैं जूम करूं, बाकी सबको नजर आ रहा है? ये फिलहाल मोबाइल, तुम खुद मोबाइल जूम करो। मोबाइल में जूम होता है लेकिन लैपटॉप में नहीं होता सर। मोबाइल पे जब आप क्लिक नहीं, करें जूम हो जाता है। इससे ज्यादा मैं जूम करूं तो फिर बाकी स्क्रीन आपको नजर नहीं आएगी। आप ऐसे करें, इसको फिर स्लाइड को सेपरेटली ओपन करें, ठीक है, और उसमें जी चेक करें, खुद जूम करें। ओके अच्छा, यहाँ पे आप देख लें, ये मोमेंट 140 न्यूटन मीटर हमने लिख दिया, वन मोमेंट। फिर 50 न्यूटन फोर्स की वजह से इस पॉइंट पे मोमेंट आएगा? जी मोमेंट आएगा, नहीं आएगा? आएगा सर। तो यस कैसे सर। करेंगे? फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस टिल दिस पॉइंट व्हिच इज 5 मीटर, और ये यस मोमेंट क्या होगा? दिस पे टू क्लॉकवाइज। सो 50 मल्टीप्लाई बाय 5, फिफ्टी ये ठीक है, ये 250 माइनस साइन के साथ आ जाएगा। ओके, इस फोर्स की वजह से देख लें, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे ना, ये डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। सो एक्स कंपोनेंट क्या होगा? 60 कॉस ऑफ 45 मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितना है? 4 मीटर। ठीक है, 60 कॉस ऑफ 45 मल्टीप्लाई बाय 4, और मोमेंट इसकी वजह से काउंटर क्लॉकवाइज आएगा। इसकी वजह से जो मोमेंट होगा वो काउंटर क्लॉकवाइज आएगा, तो पॉजिटिव। फिर वाई कंपोनेंट की वजह से जो मोमेंट आएगा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय दिस डिस्टेंस जो कि 2 + 5 = 7 मीटर है, ठीक है, और इसकी वजह से ही जो मोमेंट आएगा दैट विल बी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो इन सबको हम ऐड कर देंगे और सर देखते समझ हैं। नहीं आई सर, 60 न्यूटन किसकी की समझ समझ नहीं नहीं आई? आई, 60 न्यूटन वाले की। इसके दो कंपोनेंट्स निकालेंगे, एक्स और वाई, ठीक है, और एक्स कंपोनेंट का अबाउट पॉइंट ओ मोमेंट निकालेंगे। कैसे? एक्स कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस टिल पॉइंट ओ, वाई कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस टिल पॉइंट ओ, ठीक है, एंड फिर क्या करेंगे? ओके सर, ओके। अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो नेगेटिव साइन होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव साइन होगा। वो हमने यहाँ पे कर दिए, इनको जब कंबाइन किया सो आंसर आया -237 न्यूटन मीटर। क्या मतलब हुआ इसका माइनस का? क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इफेक्ट है रिजल्ट में। जी, जो रिजल्टेंट मोमेंट है वो क्लॉकवाइज है। सो यहाँ पे देखिए, जो मोमेंट आपने यहाँ पे शो करना होगा दैट विल बी 237 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी ये चीज तो हमारे पास यहाँ पे हो गई। हम क्या कर सकते हैं? वी वांट टू कंबाइन दिस रिजल्टेंट मोमेंट एंड रिजल्टेंट फोर्सेस इनटू अ सिंगल फोर्स। एक इक्विवेलेंट सिस्टम में इसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। सो आपको ऑलरेडी पता है मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? मोमेंट इज इक्वल टू एफ इन टू जी डी। ठीक है, सो वी हैव मोमेंट, वी हैव फोर्स, फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट डी। सो जब इस फार्मूले में हमने ये चीज डाली, यहाँ से हमारे पास डी आ गया 1.6 मीटर। ठीक है, अभी 1.6 मीटर डी का आंसर तो हमारे पास आ गया। नाउ ये डी, अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें तो इसके परपेंडिकुलर तो ये दोनों डिस्टेंसेस हो सकते हैं। इस फोर्स को आप यहाँ पे अप्लाई करें या इस फोर्स को नीचे अप्लाई करें, इट्स अप टू यू। अगर आप नीचे अप्लाई करेंगे तब भी इसकी वजह से इतना ही मोमेंट आएगा, अगर ऊपर अप्लाई करें तब भी इतना ही मोमेंट आएगा। लेकिन आप इमेजिन करें, अगर नीचे अप्लाई कर लेते हैं तो इसकी वजह से पॉइंट ओ पे जो मोमेंट आएगा वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा।
अगर ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो मोमेंट आएगा वो क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पे मोमेंट क्या है, क्लॉकवाइज। हम ये इफेक्ट देखना चाहते हैं, सो व्हाट वी विल डू, वी विल अप्लाई दिस फोर्स हियर समवेयर विद 1.6 मीटर, सो दिस इज द फोर्स, वी अप्लाइड इट एट 1.6 मीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। अच्छा तो अभी ये देखिए, एक सिंगल फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 148.3 न्यूटन है, एंड दिस इज प्रोड्यूसिंग 237 न्यूटन मीटर मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। सो एक सिंगल फोर्स है, हमने क्या कर दिया है, इन तमाम सिस्टम ऑफ फोर्सेस और मोमेंट को रिप्लेस कर दिया है, इसको हम इक्वल सिस्टम या रिजल्टेंट इसको हम कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा इस फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन पे आप कहीं पे मूव कर सकते हैं, मीन यहाँ पे आप कर सकते हैं, ऐसे आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप मूव करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक्स आपके पास वैल्यू बढ़ जाएगी और वाई की जीरो हो जाएगी, और इस फोर्स को आप यहाँ पे लेट से अप्लाई कर देते हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, वाई एक्सिस पे वाई की वैल्यू रह जाएगी और एक्स की जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आप कहीं पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फोर्स। तो बाद में यही आपके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि कैसे आप इस फोर्स को मूव कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे या आगे। ओके तो क्वेश्चन में जो पूछा गया था वो यहाँ तक तकरीबन हमारे पास सॉर्ट आउट हो गया, ठीक है। कि अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहें वो किस डिस्टेंस पे आप लगाएंगे, किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, वो हमने यहाँ पे लगा दी, सो प्रॉब्लम इज सॉल्व। नाउ इसको आपको देख रीड दे दी, जो एडिशन सर ये फॉर्मूला है एंगल टीटा किस तरह मेजर किया गया है? 63.2 डिग्री जी, ये एंगल। आप खुद जरा देखें ना डायग्राम को, डायग्राम को जरा गौर से, क्वेश्चन को जरा गौर से देखें और फिर मुझे बताएं कैसे मेजर किया गया। जी कैसे करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया है, और रिजल्टेंट का पहले जैसे मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो टेंजेंट से, फिर उस तरह थीटा भी हमने फाइंड किया। ठीक है, आप जब आर दो कंपोनेंट निकालते हैं रिजल्टेंट के, आर वाई एंड आर एक्स, ठीक है। तो थीटा हमारे पास वर्टिकल बाई बेस होता है, टेंजेंट थीटा, सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू आर वाई बाई आर एक्स, दोनों हमारे पास हैं। वहां से हमने क्या निकाला, टेंजेंट थीटा निकाला, थीटा को एक साइड पर रख के टेंजेंट को दूसरे साइड पे ले गया, टेंजेंट इनवर्स हो गया, सो फ्रॉम हियर वी हैव फाइंड इट आउट। ओके यस सर। ओके नाउ यहाँ पे आप देख लें, एक बीम की एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, आप इसके रिएक्शन वगैरह छोड़ दें, लेकिन इमेजिन करें कि बीम पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रही है ना, तमाम के तमाम कंबाइन इफेक्ट जो इसका है वो ये वाली फोर्सेस है, 150 न्यूटन है, 600 न्यूटन है, 100 न्यूटन है और 250 न्यूटन। करना आपने क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट ए, ये कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ए निकालना, निकाल सकते हैं हम या नहीं निकाल सकते निकाल जी। सकते हैं, वो निकाल सकते हैं अच्छा क्या ठीक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अच्छा देखें सबसे ठीक है, वही वही देख मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली करता हूँ, व्हाट वी नीड टू डू, तमाम जितने के जितने फोर्सेस है ना, इसको आप बस पॉइंट ए पे तो डायरेक्ट शिफ्ट कर सकते हैं, फोर्स पे तो कोई मसला नहीं है, 150 अपवर्ड है और 100 अपवर्ड है, तो अपवर्ड फोर्स कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और डाउनवर्ड फोर्स कितना है हमारे पास, 600 न्यूटन है और 250 है, तो इन एट सबको जब फिफ्टी ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 650 नेट फोर्स आ जाएगा, और उसका जो डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड होगा एट पॉइंट ए। क्लियर है, सिंपली इन यस सर। तमाम फोर्सेस को यहाँ पे ए पे मूव करके एड अप कर। ओके सो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमारे पास आ गया 650, लेकिन मसला ये है कि इस फोर्स की वजह से जो मोमेंट यहाँ पे आ रहा था, इस फोर्स की वजह से जो आ रहा था, इस फोर्स की वजह से जो आ रहा है, वो सब मोमेंट्स पे आप फाइंड आउट कर लेंगे और उसको एड अप करके यहाँ पे वो मोमेंट भी शो कर देंगे, सो वो इक्विवेलेंट सिस्टम हो जाएगा 8.8। समझ आ रही है? फिर पार्ट यस बी में सर। क्या क्या, पार्ट बी में कहा गया इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट बी, तो इन सबको इसी तरीके से बी पे शिफ्ट कर दें। पार्ट सी में क्या कहा गया कि सिंगल फोर्स आर रिजल्ट, सिंगल फोर्स आर रिजल्ट का मतलब यह है कि आप मोमेंट को शो ना करें बल्कि फोर्स को ऐसे पॉइंट पे अप्लाई करें कि ये मोमेंट का इफेक्ट खुद ब खुद आ जाए इसमें, तो ये आगे सॉल्व भी किया गया। यहाँ पे देखिए इन सब फोर्सेस को ऐड करके रिजल्टेंट निकाला गया, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। फिर इसका मोमेंट, इसका मोमेंट, इसका मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ए निकाला गया,
वो तमाम मोमेंट हमारे पास 1880 न्यूटन मीटर आ गया, ठीक है, वो हमने यहाँ पे शो कर दी। सो दिस इज सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट पार्ट। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? सर हम ओके लोग यस सर। रिजल्टेंट का सर डिस्टेंस निकाल के सर उससे नहीं कर सकते, मतलब कि अब सारी कर फोर्सेस का सकते, रिजल्टेंट कर दिया और उसका टोटल डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके और फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया आपसे? व्हाट एयर वी नीड टू सिस्टम फाइंड एन इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम। फोर्स कपल सिस्टम। सो हमने फोर्स कपल सिस्टम दोनों निकालने हैं ना पॉइंट ए पे। हमसे ये नहीं कहा गया कि आप उसको सिंप्लीफाई करें, और पॉइंट ए पे जब कह दिया ना तो इसका मतलब है कि हमने पॉइंट ए पे ही निकालना है। तो पॉइंट ए पे अगर आप सिर्फ फोर्स शो कर दें और उसका मोमेंट शो ना करें तो आपके पास वो इफेक्ट सेम नहीं रहेगा। देखिए पॉइंट सी में आपसे कहा गया अ सिंगल फोर्स आर रिजल्टेंट, फिर पॉइंट का जिक्र नहीं किया इंग्लिश गया। इंग्लिश प्लीज। अच्छा इफ यू लुक एट पॉइंट सी, सो एट पॉइंट सी मीन पॉइंट ए, व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग दैट वी नीड टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम एट ए। सो दे आर आस्किंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली द नेट इफेक्ट एट पॉइंट ए, सो इट विल इंक्लूड फोर्स एज वेल एज मोमेंट। व्हाइल दे आर टॉकिंग फॉर अ सिंगल फोर्स आर सिंगल रिजल्टेंट, व्हाट दे आर सेइंग अ सिंगल फोर्स आर रिजल्टेंट, दे आर नॉट मेंशनिंग एनी पॉइंट। सो मीन्स यू कैन अप्लाई दिस फोर्स एट एनी पॉइंट, बट द इफेक्ट ऑफ दैट सिंगल फोर्स इट शुड बी सेम एज द कम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज फोर्सेज एंड रिजल्टेंट। बट इफ यू मैंशन एनी पॉइंट लाइक पॉइंट ए आर पॉइंट बी आर पॉइंट सी, देन यू कैन फाइंड आउट द फोर्स एट दैट पॉइंट, बट इट विल नॉट बी हैविंग द इफेक्ट ऑफ मोमेंट्स विद इट। सो यू हैव टू शो दैट मोमेंट, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग इक्विवेलेंट फोर्स कपल सिस्टम। होपफुली इट विल बी क्लियर ना। ओके जी सर। सो व्हाट व्हाट वी डिड, वी फाइंड आउट ऑल दोस फोर्सेस, वो हमने यहाँ पे शो कर दी, वी फाउंड आउट ऑल दोस मोमेंट्स एंड वी हैव शोन इट एट दिस पॉइंट। सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस पार्ट यू कैन आस्क। ओके सर कंबाइन द लेट, रिजल्टेंट मोमेंट एंड फोर्स। नो हाउ वी कैन कंबाइन द रिजल्टेंट नो मोमेंट आई एंड एम रिजल्टेंट फोर्स? आस्किंग दैट कैन वी कंबाइन और नॉट लाइक द यस वी मूव यस बिल। यस वी कैन, वी कैन कंबाइन। लाइक यू कैन सी दे आस्क इक्विवेलेंट फोर्स एंड कपल सिस्टम एट ए, दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व, नो नीड टू सॉल्व इट फर्दर। सो दिस इज द सोल्यूशन। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग स्टेप बाय स्टेप, दे आर आस्किंग टू शिफ्ट दिस फोर्स एट बी। So one of the method is to do the same thing for B, or you can start from this diagram. From this diagram, we are having this moment. If you want to shift this force at B, just simply shift this force. So force will be minus 600 newton at this one, but due to this minus 600 newton force, the moment that we had at point B, we need to show it. So this is 4.8, this is 600, 600 multiplied by 4.8, and the moment would be anti-clockwise. And this moment will remain as it is. So what we need to do, we need to find out that moment. So for point B, if you want to shift this to point B, shift this force at point B. So this is minus 600 Newton. The moment that we had at point B due to this 600 Newton force, it will be 600 multiplied by this distance 4.8. So it will come at 2880 Newton meter. Okay. So now we are having two moments, 2880 and 1880, combine it. So the net effect will be 1000 Newton meter. So here we are having this 1000 Newton meter and minus 600. So this is the answer of this part. Equivalent force couple system at B. Okay. If you start from this diagram, find out the net force, shift it at B. Find the net moment due to all these forces at point B. So you will get the same answer as this one. ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर लें, दूसरे के पहले के आंसर से स्टार्ट कर लें या डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लें, सो यू विल गेट द सेम आंसर। क्लियर है यहां तक? ओके नाउ नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ योर कंसर्न। कैन वी फाइंड आउट अ सिंगल फोर्स आर रिजल्टेंट? सो आई डोंट नो वेदर वी कैन फाइंड आउट एट ए आर बी, बट इफ इफ पॉइंट इज नॉट मेंशन देन यस we can find out the single resultant force. How we can find out? We need to apply the same force at some perpendicular distance. For example, let's start it from here. This is the force
दिस इज द इक्विनल फोर्स एट पॉइंट ए. व्हाट आई वांट टू अप्लाई दिस फोर्स एट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस सो दैट दिस मोमेंट इफेक्ट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन दिस फोर्स. सो व्हाट विल बी द मेथड, कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन फाइंड आउट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वी आर हैविंग दिस फॉर्मूला, मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. वी हैव मोमेंट 1880, वी हैव दिस फोर्स 600 न्यूटन. सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी कैन गेट, वी कैन गेट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सो व्हेन यू डू दिस यू विल गेट सम आंसर फॉर दिस डी. सो डी For example, let's say if D is 2 meter or 3 meter or 5 meter or whatever, or it is 1 meter. So what you will do, for example, if you consider this point, so you will go, let's say the answer is 3. So what we will do, we will go 3 from this point, from point A, and will apply force at distance 3. So the answer over here is 3.13. So what we will do, 1.6 into 1.2, that will become 2.8. Okay, 1.6 and 1.8, that will become 2.8, and then we need to move further, like for example, how much? 1.13 plus 0.2. So you need to move about that much distance over here. Okay, so I don't know what they did. They may have calculated it from this point. So that's why they have shown it over here. So whatever distance you got from there, you need to move from this force in this direction, or if you have calculated for this one, so you need to move in this direction. So let me repeat, we have this diagram. This is the first part for part A. We have this force, we have this moment, we have this formula, F is equal to moment is equal to F cross D. We have moment, we have F, we will find out D. This D will be from this direction. Okay. If you are considering this force, this diagram, we have this moment, we are having this force. Okay? And we need to find out the perpendicular distance. So moment is equal to F into D. From here, we can find out D. And for this D, we need to move in this direction. Is it clear? Is it clear to everyone? Yes. Okay. So now let's come towards the main exercise problems. So this problem 277, what they are basically asking, they are asking calculate the magnitude of tension T and the angle theta for which the I bolt will be under resultant downward force of 50 kN. What they are asking for, they need to find out T and theta. Okay, so given data, we are having forces, we are having T, and the resultant, we basically want to find out the magnitude of T and the angle which it makes with the horizontal, that is theta. Okay, and an interesting thing which they are saying here, that the for which the I bolt will be under resultant downward force of 15 kN. What does this mean? This means the resultant force, if we find it out, it will be having no X component. It will be having only Y component. Downward kis cheez ko represent kar raha hai? Y component ko sirf represent karta hai na? Yes, sir. Okay. So this means the resultant Rx will be equal to 0 and Ry will be equal to 15 kN. So how we can find out this? Find out components of all these forces. So there will be X component of this force and no Y component. There will be X component of this force and there will be Y component of this force. X component of this force and Y component of this force. So summation of forces in X direction, it will be equal to 6 and then 8 sine of 30. 8 sine of 30 and then T cos of 30. Now it's up to you. Like in this question, what they did, they assume that X in this direction will be positive and Y in this direction will be positive. But if they don't consider this thing, so the general sign convention is X in this direction, on the right side it will be positive, and Y upward will be positive. But in this case, in question they assume, they have shown it,
like x in this direction on the left side and y in downward direction is positive. Just for this question, they have assumed this thing. If you don't want to assume this thing, if you want to assume the conventional sign, still you can go for it. You will get the same answer. Okay. So they are saying x in this direction will be positive. So this will become minus 6. And the force over here, minus 8 sine 30. And t cos theta will be positive. So you can see from here, t cos theta minus 6 minus 8 sine 30. Okay. And rx is equal to 0. For ry, ry is equal to 15 kilonewton. And further, ry is equal to, this is having no y component, this is having one y component. That is 8 kilonewton into sine of 30. And it is downward direction, so it will be positive. Again, t is in downward direction, t is y component is y direction or downward direction, so it will be positive. So it will be t sine of theta. This will be t cos of 30, this will be t Abbas Mikhaïlov curve. Okay, so from here you can see r is equal to ry is equal to 15, and it is t y component, which is sine theta, and 8 y component, which is cos of 30 degree. We have shown it over here. So from this equation we got t sine theta is equal to this, from this we got t cos theta is equal to this. What we can do, we can divide these two equations by one another, so the t and t will get cancelled, and sine theta by cos theta will give us tangent theta. And we already have this formula, means we can shift this tangent theta tangent to other side, so theta will become tangent inverse of the value. So sine theta by cos theta is equal to tangent theta, and theta is equal to tangent inverse 8.07 divided by 10. This is tangent inverse basically. Okay, so you need to look at this thing. Okay. Sir, ये so 8 cos 30 कैसे है सर? कैसे है? Yes sir. जी, ये what you think कैसे आया? ये कहाँ से आया? Is it x component or y component? सर ये y component में आपने लिखा हुआ है. ठीक है, y component में लिखा हुआ है. इसका मतलब है कि 8 किलो न्यूटन का y component है ना? लेकिन सर 30 degree सर इसका बोल रहा हूँ. इसमें वही वही क्या? 8 किलो न्यूटन का वाई कंपोनेंट है. मैंने वाई में लिखा तो इसका मतलब है कि इस फोर्स का वाई कंपोनेंट है ना. यस सर. ठीक है, तो इसका वाई कंपोनेंट यहां पे आएगा ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा. यस सर. अच्छा, तो जब वाई में आएगा तो इस 8 किलो न्यूटन का डाउनवर्ड कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट, उसकी वैल्यू क्या होगी आपके ख्याल में? डायग्राम को जरा देखिए. ये बस सर 8 सर cos 8 8 cos 30 हो गया, 8 sin 30 होगा ना, इन दोनों में से एक होगी. व्हाट यू थिंक, कौन सी होगी? सर sin मुझे लग रहा है. सर आपको sin लग रहा है? sin क्यों लग रहा है? इसको कोई रीजन होगा? जी अब अस्कर है, बताएं, गलत हो, कोई मसला नहीं है. साइन आपको इस वजह से लग रहा है क्योंकि वाई कंपोनेंट यूजुअली हमारे पास साइन होता है. यस सर. ठीक है, वाई कंपोनेंट यूजुअली हमारे पास साइन नहीं होता. आपने देखना होता है एंगल को, जहां पे आपके पास एंगल बन रहा है जिस साइड पे, उस साइड पे आपके पास कॉज होगा. तो अभी देखिए, ये वाई के साइड पे एंगल है हमारे पास या एक्स के साइड पे है? वाई के साइड पे. तो यहाँ पे कॉज होगा आपके पास. ठीक है, अगर ये एंगल 30 होता यहाँ पे होता, फिर ये कंपोनेंट यहाँ पे हमारे पास साइन आ जाता. इज इट क्लियर? यस सर. यस सर. सो यू शुड गो बैक टू योर इनिशियल क्लासेस एंड यू शुड रिपीट दीज थिंग्स. ठीक है, वरना फिर आगे आपको और कंफ्यूजन होगी. सो यहाँ से हमारे पास थीटा आ गया, इस थीटा को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें दोनों में से, सो वी विल गेट दिस टी वैल्यू. Okay. Okay. Now, this problem again is having different forces, and it's I think same problem. So you can try it. आप उसको खोज कर लें. Now let's go towards problem 279.
and it will give you like a very good practice this problem. What they are basically asking, we are having these three different parts of this question. They are asking, determine the equivalent force couple system, equivalent force couple system at origin O, at this origin O, for each of the cases. Okay, so it's very easy. Combine all these forces and find out their net moment about point O. So force couple system at origin O for each of these three cases. A force being applied at the edge of circular disk. If the resultant can be so expressed, replace this force couple system with the standard alone force. What you need to do, you need to find out the force couple system of all these forces at point O, and if possible, give me a few seconds, I have a call. Hello. Okay. So, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Okay. So now what we need to do, the first thing that we need to find out is the resultant force and resultant couple at point O, or the force couple system at point O, and then if possible, we need to replace this with a single force. How we can replace it? Just simply with that formula, we need to find out the perpendicular distance and we will apply that force at the perpendicular distance. So for the first part, this is like the first part. What we basically can do, we need to find out the resultant force. Okay. So once we find out that resultant force, then we will find out the resultant moment. And then we will find out the combined effect of both these things. So, okay, you look at this diagram. In this diagram, how many forces? 1, 2, 3, 4. Okay. If you look at this force and this force, they are equal in magnitude, opposite in direction. And they are having some perpendicular distance between them. Do they have perpendicular distance? Yes, sir. So, can they make couple? Yes, sir. Okay, and how we can find out this couple? Any force multiplied by perpendicular distance. So how much is this perpendicular distance? Not know, sir. 2R. Hilal. Yes, sir. Why you don't know? Why we need to find out? Look at the diagram. डायग्राम को जरा गौर से देखिए. 2R सर. 2R सिंपली ये फोर्स है हमारे पास, ये फोर्स है, ठीक है, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस, दिस इज आर, दिस इज आर. सो फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू 2R आर, सो इट विल बिकम 2FR. इज इट क्लियर? एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन ऑफ मोमेंट? एंटी क्लॉकवाइज आर. एंटी क्लॉकवाइज. Very good, very good. So you see, I have put it this anti-clockwise couple over here, and its magnitude is 2FR. Okay. Now let's see these two forces. We are having two other forces, this direction and this direction. Can these two forces make couple? No. Why? No, sir. They are in same direction. Exactly. Okay. So now let's see. One force is here, one force is here. If I want to shift this force here,
what I can do, I will shift force here, apply force in opposite direction, okay, and so this force will remain here and this force will here. एक फोर्स यहाँ पे है, इसको मैंने यहाँ पे अगर शिफ्ट किया है तो इसको इफेक्ट कैंसिल करने के लिए इस एक अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा. ये फोर्स और ये फोर्स आपस में क्या करेंगे, कपल बनाएंगे. कपल है सर, आर डिस्टेंस. ठीक है, ओके, सो डिस्टेंस आर है तो मींस कपल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, एफ इंटू आर, और डायरेक्शन क्या होगा, काउंटर क्लॉकवाइज. सो मैंने देखिए ये फोर्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, और इसकी वजह से जो मोमेंट आ रहा था एफ इंटू आर वो भी साथ में लगा दी. अभी एक फोर्स रह गया, इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा. तो इस फोर्स को जब यहाँ पे शिफ्ट करूंगा, इसकी वजह से ये फोर्स बन जाएगा 2F. ऑलरेडी एक F है ना, तो इस पॉइंट पे 2F हो जाएगा. सो व्हाट आई डिड, आई शिफ्टेड दिस फोर्स हियर, दिस फोर्स इज F एंड द मोमेंट ड्यू टू दिस फोर्स वाज FR. नाउ इन दिस स्टेप आई विल मूव दिस फोर्स हियर. ऑलरेडी वी हैव F फोर्स हियर, इफ यू मूव दिस फोर्स हियर इट विल बिकम 2F. ओके, हाउ आई कैन शिफ्ट दिस फोर्स at this point we have this force F, apply F here to cancel its effect, apply F in opposite direction. We want this force but we don't want this one and this one, so this is force is basically making couple F and F and having perpendicular distance R between them, so we can find out the couple will be force multiplied by perpendicular distance between them which is F into R and direction will be clockwise. Okay, so this become 2F. This is FR, this is FR. These two FR are in opposite direction, will cancel each other. And what we will get in force couple system, we get this moment 2FR and downward force of 2F. So this is the answer. What they were asking, find out the force couple system at point O. So ye hamare paas pehle ka answer aa gaya. Then what they ask, if possible, replace this force couple system with a single resultant. तो वो कैसे replace करेंगे हम? How we can replace? जी, can we replace? Sir, I think we need force for that too. So we already have force. We are having 2F. We are having moment 2FR. What we need to find out, we need to find out. So we need to find out the perpendicular distance only. We have this force, we have this moment, 2FR. If we have moment, okay, if we have force, M is equal to F to D. From here we can find out D. Okay. So here is the formula. Force into perpendicular distance. We have this 2FR, we have this force, 2F. So from here we can find out this perpendicular distance. So D will become equal to R. Now what does it mean? If I apply this force as a perpendicular distance of R, means I can apply it here, I can apply it here. Because this perpendicular distance is R, this is also R. So I can apply it on the right side as well as on the left side. Now I have to decide on which side should I apply. Kis side pe apply karna chahiye? What do you think, on the left or on the right? Right side पे. Why right side पे? Negative. Counter clockwise. Okay. So the moment is in counter clockwise. If I apply it on the right side, so the moment about point O will become clockwise. So answer सही है या गलत है? Sir, left side पे करना चाहिए. So we should apply this on left side. So that's why we have applied this force on the left side. Is it clear? So if you don't put any sign over here, so then you can decide on this base that on which side should I apply the force by looking at direction of moment which you are replacing. Is moment ko humne replace karna hai jo ki counter clockwise mein hai. Agar hum force yahan pe apply karenge tab counter clockwise moment aayega. Is it clear? Yes. Okay. Similar is the case for part second. We are having couple and this force, then we are having couple and this force. So maine yahan pe show kar diye, theek hai? So you can get this distance and you can also get this distance from here. So this is the resultant. So from here you can find out all those things.
सर ये जो 2F आया था डाउनवर्ड, ये 2F जी डाउनवर्ड नहीं आया था स्टार्ट में, ये प्लीज इस पर थोड़ा बताएं, इस फोर्स को अगर आप डाउनवर्ड यहाँ पे 2F। शिफ्ट, इसको अगर आप यहाँ पे शिफ्ट कर दें फोर्स को, ठीक है, तो ये एफ हो जाएगा ना यहाँ पे, और फिर अगर इसको भी शिफ्ट कर दें, यस यहाँ सर, पे यस सर, ऑलरेडी एफ मौजूद था, ठीक है, तो टू एफ एफ हो और एफ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2F, ठीक है, यस। तो बेसिकली इस वजह से। ओके नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, व्हाट दे आर बेसिकली आस्किंग, हियर द यूनिट्स आर इन न्यूटन एंड हियर इट्स इन फुट पाउंड, बट जस्ट टू गिव यू द कंसेप्ट, डिटरमिन द हाइट एच अबाउट पॉइंट बी, वी नीड टू फाइंड आउट दिस हाइट एच अबाउट पॉइंट बी एट विच द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस एक्ट, मीन्स व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट, यू नीड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स, द रिजल्टेंट फोर्स विल बी सिंस ऑल कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन जस्ट डायरेक्टली एड देम, सो द रिजल्टेंट विल बी 650 माइनस 300, सो इट विल बिकम 350 माइनस 250, रिजल्टेंट विल बी 100 न्यूटन सिंपली, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। नाउ वी हैव दिस फोर्स हियर, ड्यू टू दिस फोर्स वी विल बी हैविंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, ड्यू टू दिस फोर्स वी विल बी हैविंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, एंड ड्यू टू दिस फोर्स वी विल बी हैविंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, सो व्हाट वी नीड, वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीस थ्री फोर्सेस, एंड नाउ वी वॉन्ट टू फाइंड आउट द मोमेंट ड्यू टू दिस फोर्स, दिस फोर्स, दिस फोर्स अबाउट पॉइंट ओ, वी ऑल्सो फाइंड आउट द मोमेंट्स अबाउट दिस पॉइंट ओ, इज इट क्लियर, इट्स वेरी सिंपल स्टेप, जस्ट फाइंड आउट द यस रिजल्टेंट ऑफ सर, फोर्सेज, रिजल्टेंट ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ, सो व्हाट वी गेट नाउ द फोर्सेज विच इज दिस वन, वी गेट द रिजल्टेंट मोमेंट विच इज ऑल्सो गिवन बाई दिस इक्वेशन। नाउ वट दे वॉन्ट यू टू रिप्लेस दिस फोर्स एंड मोमेंट बाई अ सिंगल फोर्स, सो हाउ यू कैन रिप्लेस, यू कैन रिप्लेस बाई अप्लाइंग दैट फोर्स एट सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फॉर्मूला फॉर दैट एफ इन टू डी, एफ इन टू डी, बट इन दिस केस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज नॉट डी, इट इज एच, दे आर आस्किंग एच फॉर एच, एच, सो इट विल बी एफ इन यस टू एच, वी हैव फोर्स, वी हैव मोमेंट, सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड आउट एच एंड वी विल अप्लाई दैट रिजल्टेंट फोर्स एट दैट डिस्टेंस, इज इट क्लियर, सो दिस इज जस्ट यस दैट सिंपल क्वेश्चन। ओके वेन एवर यू गेट द स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन दैट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज पॉइंट, द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स इज पास एट पॉइंट ओ आर एट पॉइंट ए आर एट पॉइंट बी, दिस मीन द वेन द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज एंड मोमेंट पास एट गिवन पॉइंट, सो दिस मीन द नेट इफेक्ट ऑफ मोमेंट एंड फोर्सेज अबाउट दैट पॉइंट ओ इज जीरो, आर द नेट इफेक्ट ऑफ मोमेंट are the net moment about that point O is zero. So let's see if this in this question what we have, if the resultant of two forces and couple M passes through point O, find out or determine M. Passes through point O means that the net moment about this point O will be zero. Is it clear? Yes. Okay, so in means from this statement indirectly what they are saying, they are saying that the if you want to find out the net moment about point O, it would be zero, because the moment due to these forces it will cancel down the effect of each other, and at this point we'll be having no moment. So what they are saying, they want to find out the net moment. Okay, so let's say due to these forces we want to find out the moment, so due to this force how we can find out moment about point O? Can we find out moment due to this force about point O? Yes, sir. If multiply by perpendicular distance. Okay. So, what is the perpendicular distance between this point O and this force? Do we have that perpendicular distance? Yes, sir. What is that perpendicular distance? 160. 150. No, this is this one distance. So, you can see we can have this right angle triangle. What is this angle? How much is this angle? 30. 30. 30. Okay, what is this hypotenuse? 150. 150 mm or 0.15 meter. Okay, so what is how much will be the base? This distance multiplied by cos of 30. Okay, so 0.15 cos of 30. So 400 multiplied by this distance, 0.15 cos of 30. And the direction will be clockwise.
So this is basically the moment. Okay, then yes, you sir. see we want to find out moment due to this force about point O. So for moment, what is the simple formula? Force multiplied by perpendicular distance. So do we have perpendicular distance between this force and point O? 300. Yes. Direct. In this case, it's direct perpendicular distance. 300 mm, 0.3 meter. Okay. So again, it will be clockwise. So 320 multiplied by 0.3. Okay. Okay. From here, you can see this moment M. In which direction it is? Anti-clockwise. So this will be positive. So M will be plus and these two moments will be negative. So when we add all these together, what answer we will get? We will get zero. How we know that? Zero because it passes point O. Exactly. So this plus, this minus, when we add together, it will give us zero. So from here, we can find out the moment. So this was basically the solution of this problem. Now, this problem is almost like similar, so you can do it. Okay. Again, in this problem, determine and locate the resultant of two forces and one couple acting on the I-beam. So we have this force, we have this moment. What you need to do, for example, you need to find out the resultant of these two forces. Means, consider this point. Give this point name like point A or point B or point 1, point 2, whatever you want to give it. Okay. So shift this force here, shift this force here. So the net force or the resultant force will be 10 minus 4. Because 10 is downward, 4 is, 6 is upward. So the resultant force, if you consider X in this direction positive and Y in this direction as positive, so answer will be minus 4. But if you consider Y in downward direction as positive, so the answer will be 4 kilonewton. 4. Okay. So 10 plus 4 or 10 minus 4, whatever you want. In this direction, in this question, what they did? They consider Y in downward direction as positive. So 10 minus 6. So you will get the resultant force as 4 kilonewton. Okay. So shift it here. The resultant force will be in downward direction here. Okay. Now the moment due to this force about this point is simply 6 multiplied by 3. The moment due to this force about this point is simply 10 multiplied by this distance, which is 9. And this moment. So iski wajah se jo moment aa raha hai wo counterclockwise hai. Iski wajah se clockwise hai. Theek hai? And ye apna jo moment hai ye bhi counterclockwise hai. So what you need to do? You need to show all these forces over here. So shift this force over here. We have shifted this force over here. And iski wajah se moment kitna aayega? 6 into 3. Is it clear? 6 into 3. Minus 10 into 9 plus 52. So the net moment is minus 20 kilonewton. So the force coupled system at point O, it will become 20 kilonewton meter clockwise moment and a downward force of 4 kilonewton. So now we have moment and we have force. Afaq. Atif. Samajh aa rahi hai? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Achha. So okay, so we are having this force and we are having this moment. What we need to do, we need to replace this force and couple or this force and moment by a single force. So how we can do, we need to find out the distance, perpendicular distance at which we will apply this force so that it can incorporate the force of moment. So the formula is what is the formula? F into D. In this case, the perpendicular distance is in x direction. So that's why, sir, we can replace this formula as m is equal to f into x. So from here, we can find out the x. So but when you do it, you will get this 5 meter. So this means you need to apply this 4 kilonewton downward force
at a distance of 5 meter from this direction. So this is 3, this is 3, it is 6. So means 5 will be somewhere here. So this is the resultant force will be applied over here. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, in another question, we have another question. What they are basically saying, we are having this commercial airliner with 4 jet engines. 1, 2, 3, 4. We are having 4 jet engines, each producing 90 kilonewton thrust, forward thrust. Every engine is producing how much force? 90 kilonewton. In a steady level cruise, when engine number 3 suddenly fails, so what happens? Initially, 90 was produced by each engine, but now that engine 3, it failed. So determine and locate the resultant of 3 remaining engine thrust vector. Treat this as a 2-dimensional problem. Okay. So initially we were having 4 forces, but now engine 3 fails. So how many forces do we have now? 3 forces. 90, 90 and 90 at this one. What you need to do, you need to find out the resultant of these 3 forces. Okay, so can you find that resultant? How you can find? Add up all these forces. So let's say I want to find out the resultant of these forces at this position. Okay, so what I will do? Simply, I will find out the resultant of forces. So resultant of forces will be summation of forces in X component, summation of forces in Y component, Y direction. So here we don't have any Y direction. We have only X. So this force when it's combined, the magnitude will be 270 kilonewton. Is it clear till this point? Yes, sir. Okay. Remember, yes, in your assignment, in your quiz, in your paper, you don't have to do it like directly. You have to do it everything step by step. Okay. So the force is basically 270 kilonewton. Now, what we need to do, we need to find out moment about this point, due to this force, and this force. So when you find out moment about this point due to this force, it will be counterclockwise, and due to these force, 2 forces, it will be clockwise. So from here, we can find out this moment. The moment about this point, let it be point O, is how much? 1080 kilonewton. So when we apply this force here, it is 270 kilonewton, and the moment that it produces, mean these 3 forces about point O, it is how much? 1080 kilonewton. So we have replaced these 3 forces by a resultant force coupled system. Is it clear? Excuse me, sir. Hilal samajh aa rahi? Humne kya kiya Hilal? Kya kidhar se hai? Sir, ye 12. M naught is equal to 12 multiplied by 90. 12 multiplied by 90. ठीक है. Yes, sir. अच्छा 12 multiplied by 90 ये कैसा है? ये देखिए ये 90 force है. ठीक है? ये about this point कितना moment produce कर रहा है? This force multiplied by this perpendicular distance. And इसका direction क्या है? Counterclockwise है. ठीक है? ये क्या है? ये 90 kilonewton force है. ये क्या कर रहा है? ये कितना moment produce कर रहा है about this point? This force multiplied by this distance. और इसका direction क्या है? ये clockwise है. तो ये distance, ये force और ये force same direction. तो ये जब clockwise है, ये anti-clockwise है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का effect cancel कर देंगे. रह गया सिर्फ एक ही force. So इस force की वजह से 90 multiplied by 12. ये इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है. इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने paper में direct नहीं करना, step by step आपने करना. ठीक है, इस सॉल्यूशन मैनुअल में जितनी भी चीजें हैं वो डायरेक्ट सिंगल स्टेप आपको करवाई जाती है. हिलाल क्लियर हुआ अभी? जी सर. ओके, तो आप क्या करेंगे? आप इसका मोमेंट निकालेंगे, इसका मोमेंट निकालेंगे, इसका निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, तो फिर चीजें क्लियर होंगी, ये खुद ब खुद कैंसिल आउट हो जाएंगे. ओके अच्छा, सो नाउ 270 इज फोर्स, 1080 इज मोमेंट. वी नीड टू फाइंड आउट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. So by using this formula, the perpendicular distance formula, moment is equal to F cross D.
So we will find out the perpendicular distance. So the perpendicular distance in this case is 4 meter. So means we will apply, we will move this force in a perpendicular direction, upward or downward, by a 4 meter. Okay. So where should we move this force? Upward or downward? Ji Hilal. Downward. Why downward? Kyun? The arrow is downward. Ji? Clockwise hai sir. Clockwise hai. We want to replace this moment and it is clockwise. So agar upar lagayenge, iski wajah se jo moment aayega, that will be anti-clockwise. So we replace this force, we move this force in a downward direction by a d distance so that it can produce a force which is equivalent in direction to this moment. Is it clear? Okay, if you are having any question, you can ask. Muhammad Saleem. Yes, sir. Are you getting me? Yes. Okay. Thank you. Okay, so now here we have another problem 287. So I think you need to do it by yourself. Isko aap khud kar lein. Already it's solved. Solution is given. So you can do it. Okay. Remember one more thing again, that here we are having the units in foot pound system. Here we have SI system. Why I have given this problem? Just to give you the basic concept, like how you can solve this problem, so you can get your idea from here. But the unit that you have to use, it should be the one given in question. Okay, so we are having this aircraft so the direction of two thrust vector of an experimental aircraft can be independently changed from the conventional forward direction within limit. Okay, so for the thrust configuration shown, determine the equivalent force coupled system at point O. So you see, we are having two engines. One is producing thrust in this direction, one is producing thrust in this direction. You can change this thrust direction to maneuver to move aircraft in different directions. So you can see this force is applied in this direction and this one in this direction. Okay, so for changing, what they basically did, the thrust is applied over here at an angle of 15 degree. So what they want to do, they want you to shift this force and the resultant moment at point O. So basically they are asking, for the thrust configuration shown, determine equivalent force coupled system at point O. Then replace this force coupled system by a single force at and specific point on the x-axis. So what they are saying, when you find out this resultant force and coupled system, replace this force coupled system by a single force, and the perpendicular distance should be in which direction? In x direction. Specify the point on x axis through which the line of action of this resultant passes. These results are vital to assess the design performance. Okay, hopefully you have got what they are asking for in this question. They want to find the resultant force and resultant couple or force couple system about point O, first thing. And then what they want you to replace this force couple system by a single force by using that perpendicular distance. But you need to mention that perpendicular distance in x-axis, because they have asked you in the question. Okay. So let's move toward the problem. First given data, then required data, then diagram. So make a free body diagram. This is thrust at point A, this is thrust at point B, this is that point O. All the distances 3 meter, 10 meter, it's been given here. Okay. So now if you want to move this force here, it's very much simple. You can move this force. Summation of forces in x direction and summation of forces in y direction. Okay, so summation of forces in x direction can be just simply this force Pi. Okay, summation of force in x direction for this one, it will be Ti into cos of 15. So Ti cos of 15. And then summation of forces in y direction, Ti sine of 15. So this is Ti sine of 15. Okay, how we find out resultant usually? Summation of forces in x component,
x direction, it will give us r x. Summation of forces in y direction, it will give us r y. So r x I plus r y j is the resultant vector. So यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये एक single step में what they do, they just use the single step, and in the single step they find out the resultant vector. It include both r x and r y. But the method that we use, it's like very much easy and simple. So you need to find out Rx separately and Ry separately. When you do it, you will get this answer. 1.9660i plus 0.259 Tj. This is basically Rx. This is basically Ry. Hopefully, yahan tak clear ho gaya hoga something. Yes. Okay, now what you need to do, you need to find out moment about point O due to this force. So moment about point O due to this force is T multiplied by 3. Moment about this point, about point O due to this X component, again, X component multiplied by 3. And due to Y component, so Y component multiplied by this distance. This distance is 10. So all are given over here. Cos component, sine component multiplied by perpendicular distance. So the net moment we got, it is basically this one. So we replace what we did. We replace the force. So the direction of force, the direction of force that we have over here, the resultant force, it will be neither in X, neither in Y, but it will be combination. It will be somewhere like this. Samajh aa rahi hai jo resultant force hoga aapke paas? Okay? Achha. And the moment about point O due to these two forces will be how much? 2.619. Uska direction kya hoga? Direction uska hoga yahan pe inhone kya show kiya hua hai? Clockwise ko positive kiya hua hai. Aur answer positive mein hai, so moment aapke paas clockwise hoga. Agar aap aisi koi cheez show nahi karte question mein ki clockwise positive hai, so fir hum apna conventional jo sign hai na, wahi use karenge jisme hum anti clockwise ko positive lete hain. Yes, sir. Okay. So, moment hamare paas aa gaya. What is the next step? We want to replace this force and couple system, this force and moment by a single force. Theek hai? But you can see this force is in X as well as in Y direction. So, perpendicular distance can be in X as well as it can be in Y. So in which direction should we find out that perpendicular distance? X. In question they ask for X. So we need to find out X. So moment is equal to force multiplied by perpendicular distance. So moment is equal to force multiplied by perpendicular distance. Perpendicular distance is X. And the perpendicular distance, if perpendicular distance is in X, so perpendicular to X is which component of force? Kaun sa component force X ke perpendicular hota hai? Y. Y. So we will use Y component. So R Y into X. If you want to find out perpendicular distance in Y direction, so what you need to do? You need to do Fx into Y. But they asked us to find out perpendicular distance in X. So we will use R Y X. Okay. So we are having R Y. R Y is how much? 0.259. We have moment 2.69. So put it in this formula. We will find out this X. So X will come out 10.4 or 10.39 meter. Now, this 10.39, it can be in this direction. It can be in this direction. Is it clear? So it's up to you. Means yahan pe kya hai? Ke, moment aapke paas kaun sa produce ho raha tha? Clockwise produce ho raha tha. If I apply this force here, so the moment that it will produce, it will be counterclockwise. So this means I need to apply it in the negative direction, negative X. Taki ye force jo produce ho, jo moment jo produce ho, it should be clockwise. Is it clear? So you have to look at the force that in which direction either I should apply it in positive X or in negative X. How you can decide? You can decide based on the direction. This is one of the method. And second method is, you have to use proper sign with within the equation. So if you use proper sign with the moment as well as with the force, so in this case the answer that you get for the perpendicular distance, it will be either plus or minus. So based on this you can apply.
So you can use any of the method. If you haven't used plus minus sign with moment or with force in the equation, so then you can decide based on your thinking. Clear hai yahan tak? Yes. Okay. So this is another problem. You do it by yourself. Okay. Now let's see this problem. We have this system, the gear and attached V belt. We have this gear and we have this V belt attached. Are turning counterclockwise. What they are doing? They are turning the system in which direction? Counterclockwise. And subjected to tooth load of 1600 newton. How much load is subjected? 1600 newton and 800 newton and 450. Mean this is basically subjected to three loads: 450, 800, and 600 newton. Tension in V belt. Represent the action of these three forces by a resultant force R at O and a couple of magnitude M. What you need to do, all these three forces, you need to shift these forces at this one, and also the moment due to all these three forces, it should be shown at this point O. So you need to replace all these three forces by a couple force system at point O. And also you need to tell them, is the unit slowing down or speeding up? Means what happened to this system? Either speed is increasing or decreasing. Okay, so what we can do? Simply, we can shift these forces at this point. So how we can shift these forces to this point? To find out the resultant of all these forces, find out component of these forces. So this force can have x component as well as y component. This force can have x component as well as y component. What about this force? In this case, we don't have that angle with x or y. You see, this force doesn't have any angle with x or y. So we cannot find out its x or y component. So what we need to do, we need to find out its x and y component. And for that, we need to find out its angle with either x or y. Clear hai yahan tak? Yes, sir. Achha. Yahan pe zara is question ko gaur se dekhiye. This is horizontal. Okay. And this line is making an angle of 30 degree with horizontal. 30. Okay. This line is perpendicular to this line. It is perpendicular to this line, right? Okay. Repeat, please. Okay. Repeat. Okay, this is horizontal. This is horizontal. And this line is making an angle of 30 degree with horizontal. If I draw a perpendicular line to this one, which is this line, and a perpendicular line to x-axis, which will be this line, so the angle between this perpendicular and vertical will be how much? Ten. Okay, that angle will be basically 30. Okay, let me take you. Okay, so now let me show it to you now. We have this line. Okay, we have this line.
we have this line and we have this line. Okay. And if I draw a perpendicular line If I draw a perpendicular line to this one and a perpendicular line to this one, which is a vertical line, so what should be the angle between these two? James? You said 30 because we draw perpendicular to both of them, it's 30. Okay, so the angle between this is 30, it should also be 30. Is it clear? Yes, sir. And in between here, we are having this force. This force is making an angle of 20 degree with this one. Is it clear? So what can be the angle between the force and the y-axis? What should be the force between the force and y-axis? If we subtract, I think it's 20. Okay, it's coming 20. Wait. 10, sir. Okay. If we subtract 20 from 30, so the answer will be 20 or 10? 10. 10. Is it clear to everyone? Yes, sir. Okay. Agar kisi ko clear nahi ho, question kar sakte hain. Is it clear to everyone? Okay, so let me go back to the main class. Yes, sir. So now, for x component 450 cos of 15, 800 cos of 15, and for this x component, it will be 1600 into sine of 10 degree. Okay, 1600 sine of how much? See, how much? Sine of 10 degree. 30 minus 20 is equal to 10 degree. Similarly, for y component, this will be 450 sine of 15, 800 sine of 15, and this will be 1600 cos of 10. Okay, so you can find out x component as well as y component. Now what we need to find out, we need to find out moment due to this force about this point. Means if you want to shift it here, so you need to apply force over here and force over here. This force will remain as it is, and this force will make a couple. So force multiply by this perpendicular distance, which is equal to the radius, 450 multiply by 0.28 or 450 multiply by 280 mm, whatever you want to use. This will give us anti-clockwise moment. So 450 multiply by 0.28. 450 multiply by 0.28 and this one 800 multiply by 0.28. It is in opposite direction. That's why they have put it 450 minus 800 into 0.28. So that's why I'm asking it. You don't need to follow the manual. What you have to do, you have to do it step by step. They actually combine too many steps in a single step. In a single line, they combine too many steps. Okay. So find out moment due to this force, which is force multiplied by this perpendicular distance. This moment, force multiplied by this perpendicular distance. And find out moment due to this force, force multiply by, we don't have this perpendicular distance. Do we have this perpendicular distance for 1600? About point O. No, sir. We don't have. So what we can do, if I can find out its component, this component as well as this component, can I find these two components? G. Yes, sir. Okay, what will be this component? How can find out this component? Use FR. We have this angle 20, sir, and into that angle. So we have this force
and just simply find out the cos component of this 4. So 1600 into cos of 20 degree and 1600 sine of 20 degree. So due to this force, this y component, there will be no moment about point O because it's directly acting in this line. Okay. But due to this force multiplied by this perpendicular distance, the perpendicular distance is radius of this inner one. So this force multiplied by this distance will give us the moment. So you can see from here, 1600 cos of 20, this is basically this component, and 0.15 is this perpendicular distance. Is it clear? This is moment due to this force, moment due to this force, moment due to this force. These two are basically given here. Is it clear? So when you calculate all of them, the answer that you get, it's 127.5 Newton meter counterclockwise. What is the direction of moment? Counterclockwise. Okay. Initially, it was rotated in which direction? Counterclockwise. And now the moment that is applied on it, it's again in counterclockwise direction. So what does it mean? Whether the speed will increase or decrease? Increase, sir. The speed will increase because already it's rotating in that direction and we are applying more moment on it. So the speed will increase in counterclockwise direction. Is it clear? Okay. Yes, now, in this question, they are asking that we are having these forces and this moment. They are passing through point O. This means the moment of due to this force and this force about point O, it will be zero. So what they are asking, they want you to find out this P. So find out the moment about this point O due to this force and these two forces, that will be equal to zero. So from here you can get P. And then they ask you whether this force P, it depends on theta. So when you find out all those things, you will observe that in none of the equation, we have used theta. We haven't used theta anywhere in our equation. So this means this P value doesn't depend on theta. Means if you increase this angle, if you increase this theta, still the force will be acting on the same point and in downward direction. So the answer will be, like you see, we haven't used anywhere this theta. We have cos 20 degree, which is this angle, and we are using this force, but nowhere this theta. So simply, if theta is not involved in any of the equation, so what we can say, that it doesn't depend on theta. Is it clear? Okay. So it's almost similar problem. You can do it by yourself. Now here we have another problem. What they are basically asking that we are having this car under non-uniform slippery rear road condition. The four forces shown exerted on the four drive wheel of all-wheel drive vehicle. Determine the resultant of this force and the xy intercept of its line of action. Note that the front and rear tracks are equal. That is, AB is equal to CD. I mean, this distance AB is equal to this distance CD. So first, what we need to do, we need to find out its free body diagram, which we did over here. These two forces, then these two forces, the distance between them, it's already given. What we need to do, resultant of this force, resultant of this system, and the xy intercept of this line of action. So we need to find out a single resultant force. How we can do this? Okay, so what we can do, like we can add all these forces in x direction as well as in y direction as we did in our last problems. So when you do summation of forces in x direction, summation of forces in y direction, you get this answer. This is Rx, this is Ry. So this is the force that we got. Then what we need to do, we need to find out the resultant about this point G. Let's say we want to find it about point G. So find moment due to this force about point G, moment due to this force about point G. So when you do it, the effect of these two moments will cancel each other. Like this will produce moment in
counter clockwise, this will in clockwise. Magnitude is same, so it will cancel each other effect. But still, you need to find out. You find out and you will get the answer, and then you can cancel it out in the equation. Okay, what you need to do, find out moment due to this force and this force. So find out its x component, its y component, and find out the x and y of this force, and find the moment due to x component and y component about this point. Similar is the case for this one, moment due to x and y component of this force about this one, and combine all these moments. So when you combine all these moments, what you will get? You will get some value. Okay, so now we have force, we have moment, and we are having this equation, moment is equal to force into perpendicular distance. So let's say the resultant force is r and the perpendicular distance is small r. Resultant force is capital R and perpendicular distance is small r. So we have this equation. And if you want to write it in vector form, so imagine that the perpendicular distance vector, let it be our xi, or simply xi and yj, any general vector. So instead of this, our humne kya likha hai, xi yj ek general vector likh diya, and r ki jagah resultant jo force ki jagah apna vector, and jo moment hai 229 k, wo bhi humne yahan pe likh diya. How we can write this k? We can find out the direction simply by using that right hand rule. Okay, so when you solve this one, you will get this equation, 175x minus 903y is equal to 229. Okay, what we need to do, they are asking to find out the x and y intercept of its line of action. So from here we need to find out the x value and y value. So how we can find out x value? 175x will become equal to 229, so from here we will get x value. Then 903y will become equal to 229. From here we can find out the y value. Okay, so for x intercept, if we use x value, y will become zero, this one. If you use y value, so x will become zero. So let's say first we need to find out this value. Y is equal to zero and x is equal to 1.308, so the value will be somewhere here. Then x is equal to zero and y is equal to minus 0.253, so it will be here. Okay, so if we join these two points, this means our resultant vector should be here. Is it clear? We should move this resultant vector r at a perpendicular distance of this much. This is basically the r, and this is the distance. If we apply our force, the resultant force at this location r and along this line of action, so it will be having the same effect as the effect of all these combined forces. Is it clear? Yes, sir. Okay. So this is another problem, 296. You try it yourself. Asan problem hai. So hopefully aap isko kar lenge. Okay. So this one was the last problem. So you can go through it. If you are having any question, you can ask me. Ji. अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है सो देन मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं. सॉरी, पेपर के हवाले से सर, ये न्यूमेरिकल आएंगे सर? जी बिल्कुल, न्यूमेरिकल आएंगे. मिड टर्म का जो एग्जाम होगा, मेरे ख्याल में वो टेक होम एग्जाम और शायद साथ में एक क्विज हो. तो क्विज में MCQs type होंगे, maybe उसमें small calculations, वो छोटी-छोटी calculations, और जो take home exam होंगे उसमें तो numerical जी होंगे, और क्या होंगे उसमें? जी सर, पर इस तरह तो time भी बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा. time कम है और काम ज़्यादा? जी सर. तो फिर? नहीं, मैं समझ रहा था सर कि numerical type होंगे इस तरह. तो numerical type होंगे ना? आपने तो टाइप से क्यूज टाइप होंगे. जी आपने कहा सर जी एमसीक्यूज टाइप होंगे सर. एमसीक्यू देखिए, एक आपके होगा पोर्शन, एक तो टेक होम एग्जाम होगा, आपको प्रॉब्लम दे दी जाएंगे, आप इसको घर में हल करके हमें सबमिट करवा देंगे, ठीक है जी सर. लेकिन उसमें अगर इनकेस हल्की से भी आप कॉपी करते हैं, तो जिससे कॉपी किया गया या जहां से किया गया, दोनों वो कैंसिल आउट हो जाएंगे.
और दूसरा ये है कि एक अगर उसमें किसी बंदे को मसला आ जाता है या प्रॉब्लम गलत हो जाता है तो दूसरा हमने ये रखा है कि एमसीक्यूज होंगे ना, तो एमसीक्यूज में जनरल से इन्हीं प्रॉब्लम से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे, वो आप बैठे होंगे और आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, लाइक अगर कैलकुलेट करने में कोई टाइम लगता है एमसीक्यूज में या कुछ होता है तो, या शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, थोड़ी देर के लिए होगा वो, कुछ मार्क्स उसके होंगे कुछ दूसरे के होंगे, अगर ये गलत हो जाता है दूसरा तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन होगी, ठीक है, तो वो भी ऐसे होगा कि अगर आप ये कोर्स कर ले तो वो हो सकेगा। जी सर जी, एनीथिंग एल्स? नो सर। सर ओके, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं? जी सर। ओके okay.